ये आयत मेरा हौसला है, वह मकाना रब्बुका नसिया, और तेरा रब तुझे भूलने वाला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टार मेरा यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। हमारी सहरी का टाइम हो चुका है और हम सब की सहरी का टाइम हो चुका है, तो आज मैं सहरी में कुछ नहीं बना रही हूँ। मतलब कि कल हमने शॉपिंग की थी और रात हम इतने थक गए थे, मैंने आकर कुछ बनाया नहीं था और सब ऐसे ही सो गए इफ्तार के बाद, और अभी उठे हैं क्योंकि अभी है सहरी का टाइम। और जो मेरे लेफ्ट ओवर सालन बचा था, दाल थे और मैंने कल छोले बनाए थे तो वो भी किसी ने भी नहीं खाया, राइस भी पड़े हुए थे। मैंने आज सहरी में पराठे नहीं बनाए, मैंने तंदूर से नान मंगवा लिए। मतलब इफ्तार के बाद ना हम सब इतने थक गए थे, ऐसे सोए कि कुछ पता ही नहीं चला। जब हम सब उठे ना तो बहुत ज़्यादा सुस्ती सी तबीयत हो रही थी, मतलब मेरी तबीयत तो कुछ ज़्यादा ही सुस्ती मारी सी हो रही थी। ना मुझसे किचन में काम किया जा रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं पराठे बनाऊं, तो मैंने तंदूर से नान मंगवा लिया। और लेफ्ट ओवर सालन भी थे, दाल भी थे और कलेजी का भी सालन था और चने भी पड़े हुए थे, राइस भी थे। मतलब कि मैंने कहा चलो यही सब हम खा लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। तो हम सब ने खा लिया, मतलब कि सहरी कर लिया। और मेरा यहाँ पे चने लेकर बैठी हुई थी, उसे चने खाना थे तो वो चने खा रही थी। और यहाँ पर हो गया था दिन का वक्त, मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की आज, बस डायरेक्ट मैंने दिन से व्लॉगिंग फिर स्टार्ट की। तो यहाँ पे मैंने लिया है चिकन और राइस, मैंने भिगो कर रख दिया था। और आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन बिरयानी, तो मैं मसाले मैरिनेट करके आज बनाऊँगी, क्योंकि मैं पहले ही मैरिनेट करके चिकन रख दूँगी। 1.5 टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक डाल दिया है, ब्राउन की भी प्याज थोड़ी सी डाल देंगे। आधी मैंने इसमें दही का शामिल कर दिया है, मतलब कि 2 से 3 टेबल स्पून जितनी होगी। और ये जो खरे स्पाइसेस मैं दिखा रही हूँ ये राइस के लिए है। थोड़ा सा मैं पुदीना इसमें डाल दूँगी, तो खरे स्पाइसेस जब राइस में मैं डालूंगी ना तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें डाल दी है 4 से 5, और 2 से 3 हरी मिर्चों को मैं कट करके डालूंगी। और जो मसाले में बिरयानी के यूज़ करूंगी ना तो मैं वो डब्बे वाला मसाला डालूंगी। और टमाटर मैंने निकाल के कट करके रखा होता है, 3 टमाटर थे ये मीडियम साइज़ के। और यहाँ पर मैंने बिरयानी मसाला लिया है डब्बों वाला, और डब्बे वाला बिरयानी मसाले में ना खरे स्पाइसेस बहुत ज़्यादा डले हुए होते हैं, और खरे स्पाइसेस ना मैं इस तरह निकाल देती हूँ। इसमें से खासकर मैं लौंग निकालती हूँ और छोटी इलायची निकालती हूँ, क्योंकि ये जो डब्बे वाला मसाला आता है ना शान का, उसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही खड़े स्पाइसेस डले हुए होते हैं, तो मैंने इसमें से ही निकाल देना होता है, क्योंकि जो जायका ना कौरमे का बिल्कुल ख़राब आता है, अच्छे नहीं लगते, बहुत ज़्यादा खड़े स्पाइसेस की स्मेल आ रही होती है, तो मैंने उसे निकाल दिया। बाकी मसाले मैंने इसमें छोड़ दिए हैं, तो मसाले डाल दिए मैंने सारे इसमें। कुछ मसाले मैं अभी बाद में भी डालूंगी, थोड़ा सा मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें पिसे मिर्चे का इस्तेमाल नहीं किया है। जो बिरयानी मसाला मैंने डाला ना उसमें स्पाइसेस होते हैं, मतलब कि इतने मिर्चें होती हैं कि बस काफ़ी होता है, क्योंकि मैंने हरी मिर्चों को भी इसमें कट करके शामिल किया है। हरी मिर्चें जो है ना ये वाली तेज़ हैं, तो बाकी जो स्पाइसेस है ना वो यानी कि मिर्च जो है वो मैनेज हो जाएगा हरी मिर्चों से भी। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून जायफल चबत्री के पाउडर डाल दिया है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट का डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है। इसमें मैंने अभी भी पिसी मिर्च नहीं डाली, बाकी मसाले मैंने डाल दिए जो मुझे लग रहा था कि कम लगेंगे होंगे इसमें टेस्ट के हिसाब से, तो मैंने इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दिया। मिक्स करके इसे रख देंगे हम साइड में। और मैं चली गई थी बर्तन धोने के लिए, बर्तन धोते धोते मैंने ग्लास धो रही थी तो मेरा ये हाथ जो है ना कट गया, ग्लास टूट कर इसमें घुस गया, और ये देखिए काफ़ी सारा कट लग गया है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा जल्दी से वैस को सनी प्लास ले आओ, तो वो सनी प्लास लेने चला गया था, तो फिर यहाँ पर ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा था। तो वैस ने क्या किया कि इस तरह पट्टी लेकर लगा दिया, मैंने कहा पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ, तकलीफ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही थी और काम भी बाकी पड़ा हुआ था। मैंने पट्टियाँ अच्छी तरह मैंने कहा लगा दो सही से, ताकि मैं बाकी का काम जो है ना वो जल्दी जल्दी डालू। तो उसने इस तरह लगाना शुरू किया जैसे मैं उसे गाइड कर रही थी कि ऐसे ऐसे लगा दो, ऐसे ऐसे लगा दो, तो वो उसी तरह लगा रहा था। दर्द यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि कट जो है ना ज़्यादा लग गया था। इस तरह लगाने से क्या हो गया, काम करने में ना थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, और जो काम पड़े थे वो तो निपटाना था ना, क्योंकि इफ्तार का टाइम करीब हो चुका था और मेरा रोज़ा भी ख़राब हो चुका था इस तरह। तो यहाँ पे मैं आ गई दोबारा से किचन में, और मैंने चढ़ा दिया था पानी राइस बॉइल करने के लिए, तो उसमें खरे स्पाइसेस डाल दिए, बेलीव डाल दिए, ज़ीरा है, बादियान के फूल है, काली मिर्चें और हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। जब तक वो पानी में बॉयल आता है इधर हम कौरमा चढ़ा देते हैं। मैंने ऑयल डाल दिया है और जो मैरिनेट करके मसाला मैंने रखा था 1 घंटा पहले मैंने इसे रखा था, अच्छी तरह ये मैरिनेट हो चुका है। अब इसे हम डालकर थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के दौरान ही ना मुझे लगा कि ये पानी छोड़ दिया है, तो पानी छोड़ने के बाद मैंने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा पानी मैंने और शामिल किया। शामिल करने के बाद इसे लेड लगा कर हम गलने के छोड़ देंगे, जब तक चिकन हमारी सॉफ्ट नहीं जाती तब तक हम इसे लेड लगा कर छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ राइस के जो पानी मैंने चढ़ाया था उसमें बॉयल आना शुरू हो गया था, तो राइस मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब राइस को कितनी परसेंट कुक करना है, तो मैंने यहाँ पे पहले 50% तक कुक होने देना, जब 50% कुक हो जाएगा इसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया अपने जायके के हिसाब से, सॉल्ट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। जब ये 50% बॉयल हो जाएगा ना तो इसमें से थोड़ा सा राइस मैं निकालूंगी। यहाँ पर मैंने केवड़ा वाटर ऐड कर दिया, इससे ना खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है बिरयानी की। अब इसे पकने देंगे। दूसरी तरफ चिकन जो है ना हमारे वो थोड़े से टेंडर हो चुके थे, मतलब कि सॉफ्ट हो चुके थे, पानी मौजूद था चिकन में, तो मैंने क्या किया फ्लेम थोड़ा बढ़ा दिया इसे। अब
यहाँ पे डाल देंगे हम थोड़ा सा, 3 से 4 मैंने इसमें आलू बुखारा डाल दिया है। आलू बुखारा डालने के बाद फिर से थोड़ा सा पकने देंगे और पानी इसका खुश्क होने देंगे। जब पानी खुश्क होने लगेगा ना, फिर थोड़ा सा फ्लेम को हम लो करके इसमें जो बाकी बची हुई दही थी ना वो शामिल कर देंगे। फ्लेम लो करके यहाँ पे शामिल करना है। जब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे दही, फिर हम फ्लेम को ना बढ़ा देंगे। बढ़ाकर फिर हम इसका पानी थोड़ा सा खुश्क होने देंगे, और क्योंकि दही जब शामिल कर दिया है तो दही डालते ही इसमें पानी रिलीज़ हो जाता है, दही का जो पानी है वो भी निकल आता है, तो उसे भी हम इसे इस तरह खुश्क कर लेंगे। जब ये ऑयल सेपरेट करने लगेगा और इसके जो ग्रेवी है वो परफेक्ट हो जाएगी जितना मुझे चाहिए, फिर मैं इसे उतार दूँगी। मतलब कि हमारी जो ये कौरमा जो है बिरयानी का कौरमा हो गया है डन। तो ये देखिए ग्रेवी जो है इसकी अच्छे से ड्राई होना शुरू हो गई, ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कौरमा हो गया तैयार। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया, अब इसे ढककर छोड़ देंगे। दूसरी साइड जो राइस हमारे पक रहे हैं, तो इसमें से ना 50% जो है राइस को मैं चेक कर लेती हूँ, अगर ये कुक हो चुके हैं तो मैं थोड़ा सा राइस इसमें से निकाल लूँगी। तो मैंने इस तरह निकाल लिया टोकरी की मदद से, और इसे ड्रेन करके हम पानी निकाल के एक बर्तन में अलग से राइस को रख देंगे। बाकी राइस को मैं 85% और 90% तक इसे पकने दूँगी। जब ये पक जाएगा फिर हमें इसे लेयर लगाएंगे। तो राइस हमारे पक चुके थे, मैंने निकाल लिया था, पानी ड्रेन करके रख लिया। थोड़ा सा नीचे मैंने लेयर लगाया है कोरमा का और ऑयल का। उसके बाद जो फर्स्ट मैंने लेयर निकाली थी राइस की 50% कुकर के, वो लगा देंगे। उसके बाद इसमें ऑरेंज फूड कलर डालेंगे और इसमें ब्राउन की भी प्याज डाल देंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाला है टमाटर और पुदीना। ये सब डालने के बाद जो है ना बाकी कोरमा जो मैंने बना कर रखा है ना, सारा कोरमा एक दफ़े मैं इसमें डाल दूँगी। मतलब कि एक लेयर दूँगी कोरमा का, इसमें सारा कोरमा शामिल कर दूँगी मसाले के साथ ही, फिर उसके बाद आखिरी लेयर में राइस की दूँगी। तो इसी तरह सारा कोरमा इसमें ऐड कर देना है। लेयर ज़्यादा से ज़्यादा भी लगाना चाहें ना तो आप लगा सकते हैं, और लेयर जो है ना राइस की क्वांटिटी पे भी होती है और कोरमे की क्वांटिटी पे। तो मैंने 3 कप यहाँ पे राइस लिए थे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो मैंने टोटल 2 लेयर ही लगाई राइस के बस। और यहाँ पे मैंने आखिरी लेयर राइस के लगा दिए। इसमें फिर दोबारा मैंने लगाना है ऑरेंज फूड कलर, ब्राउन प्याज, टमाटर कट करके और धनिया पुदीना इसमें शामिल कर देना है। जो मैंने आलू को बॉईल करके और फ्राई करके रखा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और आपको पता है कि अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो मैं जब भी बिरयानी में आलू शामिल करती हूँ तो सबसे पहले मैं ऑरेंज फूड कलर डाल के उसे बॉईल करती हूँ, फिर उसे पानी ड्रेन करके मैं दोबारा डीप फ्राई कर लेती हूँ। डीप फ्राई करके फिर इस तरह मैं बिरयानी में ऐड कर देती हूँ। अब ये राई जो है ना मैं दम के लिए रख रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जब दम हो गया था ना तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है वनस्पति घी। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छी आती है और राइस भी हमारे जो ना परफेक्ट खिले खिले बनते। तो 1.5 टेबल स्पून जितनी मैंने घी शामिल की थी और इसे दम दे दिया। 5 से 6 मिनट बाद मैंने इसे चेक कर लिया, तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये चिकन बिरयानी बनकर हो गई है तैयार। और मैं बता दूं कि आज जो चिकन बिरयानी मैंने बनाई है ना ये टूटे चावल से बनाई है। मैंने बासमती राइस जो है ना मेरे ख़त्म हो चुके थे, और मैंने सोचा कि इससे भी बिरयानी अच्छी बनती है जिससे इसे बना लेते हैं। और ये देखिए आप दाने इसके आप चेक करें कितने परफेक्ट बने हैं, खिले खिले बने हैं, ये बिल्कुल भी जुड़े नहीं है। खुशबू तो बेमिसाल आ रही थी, मैंने बहुत ही मज़ेदार इस पर खुशबू आ रही थी। और आज अफ्तारी में मैंने कोई पकौड़े शकौड़े नहीं फ्राई किया, जस्ट बिरयानी बनाई हूँ और फ्रूट्स होंगे। और आज है फ्राइडे का दिन, तो मैंने सोचा चलो अफ्तारी नहीं बनाते, मतलब कि पकौड़े शकौड़े आज फ्राई नहीं करते, आज जस्ट बिरयानी ही बना लेते हैं और फ्रूट्स निकाल लेंगे तो हमारी इफ्तारी हो जाएगी। और बच्चों ने भी कहा कि बहुत दिन हो गए आपने बिरयानी नहीं बनाई, तो आज मैंने बिरयानी बना दी। और यहाँ पे टाइम हो चुका था हमारे इफ्तार का, बस अजान होने ही वाली थी। आई होप कि आज का भी हमारा ये छोटा सा व्लॉग आप सबको पसंद आएगा और मेरी बिरयानी की रेसिपी भी आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।